ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਇਧਰ ਆਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਬੋਲੋ ਮਾਤਾ ਕੀ जागरूक किया जा रहा है। सर आप भी खड़े हो जाए एक मिनट साथ में। यार उन सब मेरे कि नहीं 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 सर एक मिनट सर एक मिनट आसमन करा दे। चलो इधर लाओ ना तुम बूटे लगे थे। देखिए जो आज का पर्व है और उसको बनाने के हमारे दो आदेश हैं। जैसे आपको पता है कि आज करगिल विजय दिवस भी है और जो हमारे 25 साल पहले करगिल पे जो हमने एक दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली जंग, अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि करगिल को इतना हाइप क्यों दिया जाता है, लेकिन जो हमारा इतिहास है, यहाँ का इतिहास ही नहीं वर्ल्ड वाइज इतिहास को भी देखा जाएगा तो आज तक इतनी हाइट पे कोई भी जंग जो है वो नहीं लड़ी गई है। और मुझे लगता है कि आज के उस इस दिन पे हम उन वॉरियर्स को, उनके परिवारों को जिन्होंने शहादत दी है, उनको शत शत नमन भी करते हैं और गर्व से ये भी कहते हैं कि अखंड भारत जो है उसको कोई भी आंच और कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। दूसरा, आपको पता है कि हमारी सरकार ने भी और समाज ने भी जिस तरह से पर्यावरण में तब्दीलियाँ होती देख रहे हैं, अभी बरसात का मौसम है और हमारे तो इसको सावन का महीना कहा जाता है, श्रवण का महीना जो है, और कहते हैं कि 100 बारिश होती है, तो अगर आप गिनती करेंगे एक हफ्ता हो गया इसने चालू हुए, लेकिन एक बारिश रात को हुई है, वो भी बड़ी लिमिटेड हुई है। तो उसका कारण ये है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जंगल रहे नहीं हैं और ऑक्सीजन की भी, और ऐसी डिज़ास्टर, मैन मेड डिज़ास्टर जो है उसको हम इनवाइट कर रहे हैं। तो उसके प्रति जो है, मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारे रोहित शास्त्री जी का और सारे जितने भी यहां पे साथी हमारे हैं, खसूसन तौर पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी इसमें है। तो एक संकल्प लिया है भारतवर्ष ने इस साल के लिए कि एक पौधा माँ के नाम, तो ये दो उद्देश्य को लेके आज की ये जो आप देख रहे हैं संकल्प भी है और उसका साधने का काम भी हम कर रहे हैं। तो आज करगिल जो विजय दिवस है और उसका, और एक पौधा जो है और माँ के नाम, और ये संस्कृत का महीना भी चल रहा है। देखिए हमारे संस्कृत को और डोगरी को बढ़ावा देने वाले मंत्रोज शास्त्री जी अभी 2-3 दिन पहले ही ये छुट्टी लेके आए हैं और हम लोगों को इन्होंने ऑन द टो कर दिया। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के हमारे जिस इंस्टीट्यूशन में आज हम खड़े हैं, गंडोत्रा साहब हमेशा ऐसे समाज के करनीय कार्य जो हैं उनके लिए तत्पर रहते हैं। तो जितने भी यहाँ पे समाज के प्रदुत नागरिक भी जो आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ से हम एक रैली की शेप में जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल तक जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर पौधारोपण भी होगा। और फिर मैं एक बार जो करगिल शहीद हैं हमारे, उनको शत शत नमन भी कहता हूँ, करता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं। जल्दी जल्दी में थे, जो सबसे ख़ास बात है जो ड्रग अब्यूज़ है आज, नशा, और मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इस समय रजिस्टर 13 लाख से ज़्यादा जो ड्रग एडिक्टेड हैं वो मेरी स्टेट में हो गए हैं। और ये एक वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पे जितने भी प्रदुत नागरिक आए हुए हैं और हमारे साथ जो बार एसोसिएशन हमारी जम्मू
एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके अध्यक्ष भी विक्रम शर्मा जी भी हैं, मेरे अजीज भी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन हमारी समाज की जिम्मेवारी बनती है, जैसे पौधे लगा रहे हैं तो घर को भी हम जरा देखें और आगे पीछे भी देखें और विसल ब्लोअर बने। हमारी यहाँ की पुलिस ने एक ऐसा इनकर्जिंग रिस्पांस के लिए लोगों को विसल ब्लोअर का भी काम शुरू किया है। ये मैंने कभी एक राय दी थी यहाँ के जो एडिशनल डीजीपी हैं कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो पीएनडीटीटी एक्ट को, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उस समय विसल ब्लोअर हुआ था, तो उसमें 10 लाख तक जो है विदाउट उसकी जो पहचान बताए हुए जो है वो पुलिस ने उसका प्रोविज़न किया है। तो ये भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, उसके वो भी लड़ाई हमने हर घर में और पूरे समाज में लड़नी है। जयतु संस्कृतम जयतु वार्तम, मंत्री साहब जी ने हमारे ब्रीफ कर ही दिया है। आज हमारे बीच में श्यामलाल शर्मा जी जो हमें 24 घंटे सपोर्ट्स करते हैं संस्कृत के लिए, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बड़े ही कर्मठ ईमानदार बड़े भाई विक्रम जी, राजदेव सिंह जी, गंडोत्रा साहब, सभी के सहयोग से संस्कृत माह के चलते जो है संस्कृत शोभा यात्रा नशे के विरोध में और कारगिल शहीदों के नाम निकाली जा रही है और पूरे माह ट्रस्ट के ये संस्कृत के प्रमोशन के लिए कार्य चलेंगे। और मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय देके हमारी शोभा यात्रा को कवर किया। धन्यवाद।